अरे मरियम, तो मैं कब से फोन कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। भाई मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, उसे मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था। आप ये बताएं काशिफ कहाँ है? अरे भाई इसीलिए तो फोन कर रहा था कि काशिफ घर पहुँचा या नहीं पहुँचा। ये क्या कह रहे हैं आप, काशिफ कभी आपके बगैर स्कूल से घर आ सकता है क्या? अरे भाई शहर में कचरे की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम था, स्कूल पहुँचने में देर हो गई और मेरे पहुँचने से पहले काशिफ वहाँ से निकल गया। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि काशिफ घर नहीं पहुँचा तो फिर गया कहाँ? साजिद मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, जल्दी पता करें कहाँ है मेरा बच्चा। हेलो जी, हाँ साजिद, साजिद किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ हाँ मैं साजिद बात कर रहा हूँ। बच्चे के लिए बहुत परेशान हो। आप कौन? बाबू। कौन? लो पहले बच्चे की आवाज सुनो। सौदेबाजी तो बाद में होती रहेगी। ले गया चल, बात कर। हेलो पापा। हेलो, हेलो बेटा, हेलो। हेलो पापा मुझे बचा ले वरना तो ये लोग मार देंगे। हाँ हेलो, सुन ले अपने बच्चे की आवाज। अब एक काम कर, पैसों का इंतजाम कर, 20 लाख रुपए। और हाँ तेरे पास टाइम सिर्फ 3 दिन का है, पैसे कब और कहाँ पहुँचाने हैं ये मैं अगले फोन पे बताऊंगा। और हाँ बात सुन, पुलिस के चक्कर में पड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो हाथ धोने पड़ेंगे अपने बच्चे से, समझा? नहीं नहीं भाई, मैं पुलिस के इल्फाम नहीं करूँगा। लेके जा इसको। कौन था, क्या कह रहा था? बेगम हमारा बच्चा अगवा हो गया। अगवा हो गया? अगवा कहा, 20 लाख रुपए मांग रहा है। 20 लाख? इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? आप फौरन पुलिस को फोन करें। अरे बेगम वो बड़े खतरनाक लोग हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस को फोन किया तो तुम्हारे बच्चा। नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा कहाँ गया? हेलो माजिद। हाँ बेटा फौरन घर आ जा तू यार। भाईजन खैर तो थी, आप लोगों ने मुझे इतनी इमरजेंसी में फोन करके बुलाया। माजिद सुबह मैं काशिफ को स्कूल छोड़कर आया हूँ। माजिद तुम कुछ राह निकालो। माजिद 4 घंटे गुजर गए, मेरे बच्चे का कुछ नहीं पता चला, पता नहीं वो किस हाल में होगा। देखिए आप लोग परेशान ना हो, और परेशानी हर मसले का हल नहीं होती, सही ना? अल्लाह ताला ने हर मसले को हल करने के लिए कोई ना कोई बेहतरी बनाई है। मेरी नजर में एक इदारा कंपनी के नाम से कुछ लोग हैं जो मजलूम और लाचार और बेसहारा लोगों की मदद करते, और वो कंपनी आपसे कोई भारी मुआवजा नहीं लेती, बल्कि काम होने की सूरत में आप लोग खुद चाहें तो उनके अकाउंट में कुछ रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको उनका नंबर वगैरह दे देता हूँ, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। ये नहीं, हाँ बंदे चले गए हमारे वहाँ से। हाँ भाई साहब, अच्छा मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। मुझे आपके बॉस से मिलना है। किस सिलसिले में? दरअसल मेरा बेटा किडनैप हो गया। ओह, किडनैपिंग का केस। आपका नाम? मेरा नाम साजिद है। साजिद, साजिद साहब आप तशरीफ़ रखें, मैं बॉस से जाके बोलता हूँ। किडनैपिंग का केस। दिलकश जी, कभी मेरी भी तस्वीर बना दें। तुम्हारी? मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तस्वीर में कैसा आता हूँ। अच्छा रुको अभी बनाती हूँ। देख लो बन गए।
ये तो गधे की तस्वीर है। मैं तुम्हें गधा ना बनाता हूँ। चाइना के गधे ना इसी साइज के होते हैं। मैं जानता हूँ कि आपका बेटा इस वक्त मुसीबत में और आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन उम्मीद रखिए। उम्मीद ही वो वाइज चीज़ है जो इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती है। मैं और मेरी कंपनी ये वादा करते हैं कि दिन रात करके हम आपके बच्चे को बाजियाब करके रहेंगे। बस थोड़ा सा वक्त दरकार है और आप लोगों का हौसला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। पैसों का इंतज़ाम हुआ? हाँ, पैसे का तो इंतज़ाम हो गया, लेकिन ये बताएं कि मेरा बेटा है कहाँ? मैंने पूछा पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं। म्यूट। आपने कम से कम 4 से 5 मिनट इस एंगेज रखा, ठीक है? भाई मुझे कुछ टाइम तो दें, 20 लाख रुपए हैं, हम ये इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? ज़्यादा बकवास करने का टाइम नहीं है, समझा? जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही कर। बीच में पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की ना तो ना तू बचेगा और ना तेरा बच्चा। देख मेरी बात ध्यान से सुन, सिर्फ 2 घंटे हैं तेरे पास। अगर इससे ऊपर हो गया ना तो बच्चा नहीं मिलेगा तुझे, बच्चे की लाश मिलेगी। भाई मुझे कुछ टाइम तो दे ताकि मैं 20 लाख रुपए का इंतजाम कर सकूं। चल जल्दी कर, टाइम बहुत कम। सर ये सिम किसी शौकत महमूद के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिलकश पता करो कि इतने शौकत महमूद हैं जो इस इलाके में इस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, और इन तमाम लोगों की लिस्ट बनाकर इनके शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेसेस रिकॉर्ड करो। ओके सर। सर मैं जानता हूँ कि आप लोग अपने बच्चे की तरफ से बहुत परेशान हैं, लेकिन उम्मीद रखिए। उम्मीद ही वो वाइज चीज़ है जो इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती है। मैं और मेरी कंपनी ये वादा करते हैं कि दिन रात करके हम आपके बच्चे को बाजियाब करके रहेंगे। बस थोड़ा सा वक्त दरकार है और आप लोगों का हौसला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बाबू भाई एक लड़की आई है। लड़की? कहती है कि सिद्दीक भाई की कजन है। तूने किसी लड़की को भेजा है क्या? बाबू भाई ये मेरी कजन है, बहुत मुश्किल में है, प्लीज आप इसकी मदद करें। एतबार वाली लड़की है ना? हाँ हाँ बाबू भाई, बड़ी एतबार वाली लड़की है ये। आप फिक्र ना करें। देख ले पहले भी बहुत लोचे किए तूने। चल मिलता हूँ, भेज अंदर। बच्चे के सर पर पैसा कमाना चाहता है उल्लू का पट्टा। राजे जी, वो मेरा नाम रूप है, वो सिद्दीक से आपकी बात हुई थी। काम की बात करो लड़की। जी दरअसल मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत अकेली भी हूँ। तो मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो लड़की। नहीं मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं कर रही, वो असल में मेरा शौहर बहुत अमीर है लेकिन मैं उनसे खुश नहीं हूँ। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी तमाम जायदाद की मालिक मैं हो जाऊंगी, लेकिन उनके मरने के बाद। अपने शौहर को
मरवाना चाहती हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता किसी की जान लेना, मगर बाबू के लिए चुटकी बजाने के बराबर। मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? मिलेगा, जरूर मिलेगा, करोड़पति कर दूंगी। बस एक बार ये काम कर दो, तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए बाबू कुछ भी कर सकता है।